वालेकुम, मैं डॉक्टर राहिला शेख, कपिंग प्रैक्टिशनर एंड ट्रेनर, यूनानी कंसल्टेंट एंड ट्रू हीलर, आज आपके सामने हाजिर हूँ अपनी सेकेंड वीडियो के साथ, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स के बारे में है। पहली वीडियो में जिस तरह मैंने कॉज के बारे में बताया था, इम्पोर्टेंट कॉज क्या है, आज हम सिम्टम्स के बारे में बात करने से पहले ये इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम किसी भी डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू रूट कॉज वी शुड ट्रीट द पेशेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं है, और ये वीडियो बनाने का भी मकसद यही है। आजकल हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर हेयर फॉल या वेट गेन से परेशान हैं, और जब मैं हिस्ट्री लेती हूँ तो हेयर फॉल वाले पेशेंट कहते हैं कि हम 10 साल से या 15 साल से थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं और इसी तरह प्रॉब्लम हमारी बढ़ते जा रही है, और वेट गेन का भी यही मसला है। अब पेशेंट को मुझे ये समझाना पड़ता है कि आप हेयर के ट्रीटमेंट कराने से पहले थायराइड का ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि ये रूट कॉज है आपका, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। और वेट गेन का भी मसला यही है कि थायराइड जब ठीक होगा तो वेट खुद ब खुद मेंटेन हो जाएगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पेशेंट क्रॉनिक हो गए हैं इस बीमारी में, उनसे मैं हिस्ट्री लेती हूँ तो ये मालूम पड़ता है कि पहले उनको थायराइड हुआ, थायराइड की मेडिसिन लेते रहे, फिर डायबिटीज़ हो गया, फिर ब्लड प्रेशर हो गया, यानी अब लाइफ में उनको तीन मेडिसिन एक साथ लेना है, डायबिटीज़ की भी, ब्लड प्रेशर की भी और थायराइड की भी। और इस तरह 10 साल या 15 साल गुजर जाते हैं और पेशेंट कॉम्प्लिकेशन से परेशान होकर हमारे पास आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को अवेयरनेस हो कि ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मत कीजिए, और अगर आपका थायराइड लेवल कम या ज़्यादा है तो आप ये फिक्र कीजिए कि हमारा बॉडी किस तरह ठीक हो, हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह ठीक हो, और थायराइड ग्लैंड किस तरह प्रॉपरली फंक्शन करे कि हमें बाहर से मेडिसिन लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म भी तीन तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी का मतलब ये है कि थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, सेकेंडरी मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है, और टर्शरी मीन्स हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में होता है वहाँ पर प्रॉब्लम है। क्योंकि जो T3 एंड T4 हॉर्मोन्स हैं, थायरॉयड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन मेन रोल अदा करते हैं हमें ये लेवल बताने के लिए कि T3 एंड T4 बराबर है कि नहीं। स्टिम्युलेटिंग हार्मोन मतलब TSH लेवल सबसे पहले डॉक्टर्स चेक कराते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अगर उसमें कुछ कमी या ज़्यादती होती है तब T3 और T4 चेक किया जाता है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि हाइपोथायरॉयडिज्म एक्चुअली क्या होता है, जिसमें लेवल T3 और T4 कम हो जाता है और TSH का लेवल बढ़ जाता है, उसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपोथायरॉयडिज्म एक्चुअली मेन सिम्टम्स उसकी इस वजह से होती है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जितनी भी सिम्टम्स होंगी वो जाहिर होंगी बॉडी में, क्योंकि थायरॉयड का मेन रोल तो यही है, मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करता है, पूरे बॉडी के हर सिस्टम में इन्वॉल्व होता है थायराइड ग्लैंड। इसीलिए सिम्टम्स हमें पूरा टॉप टू टो प्रॉब्लम हमें हमारे बॉडी को फेस करना पड़ेगा। हेयर ले लीजिए, नेल ले लीजिए, स्किन हो गया, हार्ट हो गया, बोन हो गया, मसल्स हो गए, और इसी तरह लेडीज़ प्रॉब्लम जो है इनफर्टिलिटी, उसका भी मेन कॉज है थायराइड, हाइपोथायराइड। हार्ट में प्रॉब्लम होगी हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, ब्रेन में प्रॉब्लम होगी, और लेडीज़ जो हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेंट्स में मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी हर बॉडी के हर सिस्टम में प्रॉब्लम होगी। अब सिम्टम्स की तरफ आते हैं तो हम सबसे इम्पोर्टेंट वेट गेन होगा, अनएक्सप्लेन्ड हेयर फॉल होगा, ब्रिटल हेयर होंगे, ब्रिटल नेल्स होगा, ऑनिकोलाइसिस जिसे कहते हैं, नेल बेड से अलग हो जाता है नेल। और वेट गेन तो हो ही रहा है, लेकिन मेन इसमें इनफर्टिलिटी जो है वो भी होता है थायराइड की वजह से, और फीमेल्स में इरेगुलर पीरियड भी हो जाते हैं, डिमेंशिया होगा, डिप्रेशन होगा,
और बॉडी का बहुत ज़्यादा जो थकन होगी, लिथार्जी, फटीग। पेशेंट ये कहते हैं कि सुबह में जब सो के उठो तो ऐसा लगता है कुछ आराम ही नहीं किए, ऐसा लगता है कि अभी भी बिस्तर पे ही लेटे रहो। ये सबसे मेन सिम्टम्स है। यहाँ तक कि जो मेडिसिन ले रहे हैं वो पेशेंट भी हमें यही कहते हैं आकर कि हम दवा ले रहे हैं फिर भी हमें ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, हमेशा फटीग, लिथार्जी, फिर अर्थरालजिया होगा, माइलजिया होगा, और लास्ट में जो मेन कॉम्प्लिकेशन है, एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशन, मिक्सेडिमा कोमा भी हो सकता है हमको, पाल्पिटेशन भी हो सकता है थायराइड के पेशेंट्स को, हाइपोथायराइडिज्म वालों को। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अब मैं एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इस वीडियो में ये बताना चाह रही हूँ कि इसके जो कॉजेज़ हैं, जो एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं पेशेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स आयोडीन 131 थेरापी जो ले रहे हैं उसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, या अगर ऑपरेट करा लिए, सर्जरी करा लिए थायरॉयडेक्टोमी तो उसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, या रेडिएशन थेरापी गले की होगी ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को, या थायराइड के कोई रेडिएशन थेरापी हो गई उससे रिलेटेड, तो उसमें भी ये चांसेस हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। फिर लिथियम-39 एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स के पेशेंट को दी जाती है, मतलब उसमें डिप्रेशन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, फिर उसके अलावा मैनिया तक भी हो सकता है, ये इतना ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है साइकेट्रिक, तो इसका भी साइड इफेक्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म अगर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज़ किया जाए। फिर एक एम्योड्रॉन करके मेडिसिन होती है, हार्ट पेशेंट्स को दी जाती है, इसके भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज़ करने से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। फिर एक एंटीवायरल एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग है, इंटरफेरॉन α2b, जो कि हेपेटाइटिस सी के मरीजों को दी जाती है, तो उससे भी हमें हाइपोथायरॉयडिज्म का खतरा होता है। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और एक मॉडर्न ट्रीटमेंट कराने से बेहतर है कि आप अपने थायराइड ग्लैंड को सुधारिए, थायराइड ग्लैंड की फिक्र कीजिए, ना कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कराकर। दवाओं का भी साइड इफेक्ट आपको होगा और दूसरी तरफ लाइफ टाइम मेडिसिन भी लेना पड़ेगा। अब आखिर में मैं अपने एक पेशेंट का टेस्टिमोनियल वीडियो आपसे शेयर करती हूँ कि वो किस तरह वेट गेन का ट्रीटमेंट करने आई, और मैंने उसकी हिस्ट्री लेने के बाद हाइपोथायरॉयडिज्म जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने उसका 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट किया और वो उसका वेट भी मेंटेन हो गया है, और आज की डेट में वो कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही। पेशेंट की ज़बानी आप सुनिए कि हाउ आई ट्रीटेड द रूट कॉज एंड पेशेंट इज़ नाउ वेरी हैप्पी एंड नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन। थैंक यू। मैं डॉक्टर राहिला शेख फ्रॉम हिजामा हाउस कुर्ला ब्रांच। ये हमारी पेशेंट है प्रियंका, आज इनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ये एक्चुअली आए थे वेट लॉस के लिए, तो मैं प्रियंका से ये पूछना चाहूँगी कि फर्स्ट सेशन में मैंने आपको क्या डायग्नोस किया था और क्या रूट कॉज बता के ट्रीटमेंट किया। हाय, मैं प्रियंका शाह। मैंने आई थी तभी मैंने मन में बहुत सवाल थे, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर लोग नहीं बोलते हैं कि ये कपिंग अच्छी चीज़ होती है या नहीं होती है, कोई जल्दी इसका रिक्वायरमेंट नहीं देते हैं। बट मैं जब आई तभी आपने बताया था मुझे कि अच्छा होता है, एक ट्रस्टेबल होता है चीज़ जो रखनी पड़ती है। बट वो हिसाब से आपने मेरा इलाज चालू किया, उसकी वजह से मुझे फैट लॉस भी हुआ, इवन कि मेरा जो थ्रोट था ज़्यादा वो भी कम हुआ, मुझे मुझे इससे बहुत इफेक्टेड अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और मैं आपको जब डायग्नोज की मैंने कहा कि एक्चुअली थायराइड के पेशेंट है ये, तो मैंने इनसे ये कहा कि आप थायराइड का ट्रीटमेंट कीजिए, 3 महीने का थायराइड का इलाज कीजिए, वेट लॉस की कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि वो वेट गेन का रीजन है, वो बीमारी है बॉडी में। तो मैंने इनको 3 महीने में वेट के लिए कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ थायराइड का ट्रीटमेंट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये खुद कह रही है कि इनका वेट लॉस भी हुआ है और ये फिट भी लग रही है। क्योंकि क्योंकि मेन क्या है, रूट कॉज जो है उसका इलाज होना है। अभी मैं वेट लॉस की कोई भी चीज देती तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। अभी अल्हम्दुलिल्लाह थायराइड भी ठीक हो गया, वेट भी अच्छा हो गया। मुझे मेडिसिन लेके, इवन कि मुझे मेडिसिन लेके बहुत अच्छा फील हुआ था, और मेरा फर्स्ट सेशन में ही मुझे बहुत इफेक्टेड लगा था ये चीज, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये चीज। और अभी आप, और मैं किसी को बोल सकती हूँ कि अगर थायराइड का किसी को करना है तो यहाँ पे आके कीजिए,
वो जो एलोपैथिक दवा है वो मैंने स्टार्ट भी नहीं की थी, बट वो स्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं है और ना ही ये कपिंग के बाद वो स्टार्ट रखने की जरूरत है। ये बहुत चीज इफेक्टेड है जो करने जैसी है। मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भी थायराइड के पेशेंट है प्लीज यहाँ पे एक बार विजिट कीजिए, आपको फर्स्ट सेक्शन में ही आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, चलिए।